वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को बेरोजगारी के मामले में नंबर वन बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के साथ प्रचार के लिए तो पैसे है उसके पास, दिल्ली सरकार के पास, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार से बेरोजगारों को भत्ता देने की भी मांग की। बड़ी हैरानगी होती है साथियों, अरविंद केजरीवाल पे लगभग एक साल में 805 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पे खर्च करने के लिए तो हैं, लेकिन रोजगार देने के लिए अरविंद केजरीवाल पर सरकार पर पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। ये असली सच्चाई है, ये एक सच्चाई है दिल्ली की, जो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को 2013 के बाद जो दावा था कि दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, नंबर वन शहर बनाएंगे, मैं कहना चाहता हूं ये शहर नंबर वन तो नहीं बन पाया, लेकिन कुछ चीजों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नंबर वन बना दिया। 6 वर्षों में लोगों ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, अपना काम कर रहे थे मजदूरी दिहाड़ी करके, लेकिन इस आपदा के समय लोगों को जो भगवान भरोसे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, तो आज लोगों के पास दो वक्त के अन्न की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज अपने रोजगार की बात करते हैं, पढ़े लिखे रोजगार, ग्रेजुएट रोजगार। आज माफ कीजिएगा, मेरे गांव दिल्लुपरा में एक ग्रेजुएट बच्चा आज सब्जी बेचता है। 55,000 परिवारों को मदद दी जा सकती है, दिल्ली के युवाओं को, जो अपने घर का जीविका चला सके सम्मान से, सीना उठा के, गर्दन उठा के, सीना तान के। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर एक बार झूठे साबित हुए, ये मैं कह रहा हूं। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में तिहाड़ जेल में बंद नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को रिहा कर दिया गया है। तिहाड़ जेल से इनकी रिहाई हुई। बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। तीनों को दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जमानत दे दी थी। कोर्ट द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर को तिहाड़ जेल प्रशासन को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसके बाद उनकी रिहाई की गई। बता दें कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसने फिर सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। उस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 200 लोग घायल हुए थे। इन तीनों पर दंगे का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था, लेकिन फिलहाल तीनों को ही बेल मिल गई है और जमानत पर ये बाहर जेल से आ गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी थोड़ा सरियल है। और यही एक आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देके दिल्ली हाईकोर्ट ने जो दिया है, उस ऑर्डर से बहुत खुश है हम लोग। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि किस तरीके से इस FIR के जरिए एक जो डिसेंट को सप्रेस करने की इस कंट्री में कोशिश की गई है, वो खासकर बहुत खुशी की बात है कि उसको कोर्ट्स ने रिकग्नाइज़ किया है। और हम चाहते हैं कि आगे भी, मतलब वो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो कायम है। अंदर किस तरह से हो रहा, अंदर सपोर्ट मिल रहा था? हाँ जी, अंदर लोगों का सपोर्ट मिल रहा था? बहुत सपोर्ट मिला हमें अंदर, उसी की वजह से एक्चुअली हम लोग एक साल ये काट पाए हैं। जिस तरीके से प्यार से सब लोग ने हमें रखा, इनमेट्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कुछ हमारे झगड़े होते रहते थे, मगर उनके साथ भी अच्छे से ही। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जिन राइट्स के लिए लड़ते हुए हम अंदर गए थे, हम उन्हीं राइट्स के लिए, उन्हीं वॉइसेस के लिए लड़ते हुए रहेंगे बाहर आके भी। 2 दिन पहले ऑर्डर आ गया था, फिर भी अब ठीक है। वो तो एक प्रोसेस चला लंबा, काफ़ी मतलब बहस हुई, हमें पता लगा तो हम लोग को तो नहीं लग रहा था कि शायद हम नहीं निकल पाएंगे, मगर थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट, जितना बाहर से हमें सपोर्ट मिला, लीगल टीम ने मेहनत किया, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। जी, वो लड़ाई जारी रहेगी, कोर्ट्स में भी जारी रहेगी। इनकी होप कि जो भी फॉल्सली इम्प्लिकेटेड लोग हैं वो जल्द से जल्द रिहा हो, जस्टिस मिले सब। वहीं गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्वीट करने पर स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी, ट्विटर इंडिया समेत कई लोगों पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। दिल्ली की तिलक मार्ग थाना पुलिस ने इन लोगों पर FIR दर्ज की। इन लोगों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया। दिल्ली में भी इस बाबत कंप्लेंट हो गई। इस वक्त मैं दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कंप्लेंट हुई है। दरअसल ये कंप्लेंट स्वरा भास्कर समेत तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके खिलाफ हुई है। आरोप है कि इन्होंने हेट कंपेन चलाया। इस बेसिस पर अब तिलक मार्ग थाना जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। DCP नई दिल्ली का साफ साफ कहना है कि इंक्वायरी चल रही है इस पूरे मामले की। इस सिलसिले में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर जो है वो मामला दर्ज हुआ था। उमेद के खिलाफ भी एक अलग से FIR दर्ज हुई है। दरअसल ट्विटर के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई गाजियाबाद में। 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यह आरोप लगाया गया कि दरअसल जो ट्विस्ट को जो फैक्ट्स थे उसको ट्विस्ट किया गया। इसी बेसिस पर जो है जो वायरल वीडियो थी उसको जो है एक अलग ढंग से दिखाया गया, जिससे सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसके बिगड़ने की आशंका हुई। तो इसी बेसिस पर FIR दर्ज हुई। बहरहाल इस पूरे मामले की अब जाँच की जा रही है। एक तरफ जहाँ गाजियाबाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की जाँच करेगी। क्या आने वाले दिनों में स्वरा भास्कर समेत तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा, ये जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ चिराग गुठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में कई महीनों से पीने का पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से जनता में गुस्से का माहौल है। इसे लेकर BJP ने स्थानीय विधायक जितेंद्र विजय महाजन के नेतृत्व में मटका फोड़कर विरोध जताया। कुछ इस तरह से कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन किया। BJP नेताओं की मांग थी कि बार बार विरोध करने के बाद भी दिल्ली सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र की जनता को खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा, दिल्ली सरकार ने 365 दिन 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लाखों रुपए के बिल कोरोना संकट के समय जनता को भेजे जा रहे हैं। ऐसे में मांग की गई कि ये बिल माफ किए जाने चाहिए। प्रदर्शन कर रही है महिलाएं, अपने हाथों में खाली बाल्टियां। वहीं साउथ दिल्ली के नेबसराय थाना इलाके के राजू पार्क में नाइजीरियन महिलाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां के लोगों का आरोप है कि कभी बीच सड़क में आपस में ही मारपीट करने लगती है, कभी किसी के पीछे पड़ जाती हैं। वहीं बुधवार देर रात नाइजीरियन महिलाओं ने नशे की स्थिति में न्यू डांस तक किया और कई लोगों को इस वजह से परेशानी हुई। नाइजीरियन महिलाओं की इन हरकतों की वजह से यहाँ के लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। ये महिलाएं कभी भी किसी के साथ मारपीट करने के साथ साथ किसी के पीछे भागने लगती है, पीछे दौड़ने लगती है। महिलाओं की हरकतें वहां लगे CCTV कैमरा में भी कैद हुई है। कई महीनों से लगातार परेशान हो रहे सैकड़ों स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। अब इंतजार है पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई करने का, कोई एक्शन लेने का। देखो, ये सबसे बड़ी बात यहाँ लालच की आती है। अगर वो इंडियन को देते हैं कोई फ्लैट 5,000 का, तो ये निगरो को 15,000 का देते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लालच की बात है। और देखो, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं। अगर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हों तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक लड़की ने ड्रग्स लिया हुआ था, उसने पहले यहाँ काफ़ी ड्रामा करा, लोगों से लड़ाई झगड़ा किया, रोड जाम किया, और उसके बाद वो लड़की बिल्कुल न्यूड हो गई। आप समझ रहे हैं, मेन मुद्दा ये है। यहाँ नाइजीरियन ने बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं नाइजीरियन की वजह से। ये लोग रात में कभी भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गली में नीचे उतर आते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो अपने समाज के लिए और अपने परिवारों की हिफाजत के लिए हमें उनके लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और जहां तक ये बात हमारी जा सकती है आपके माध्यम से, उन डिपार्टमेंट के लोगों को भी इस चीज़ पर देखना चाहिए। ये नाइजीरियन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये लोग ड्रग्स ले करके, शराब पी करके हंगामा करते हैं रोड के ऊपर। अभी एक हफ्ता पहले एक हंगामा हुआ, एक लेडी ने लड़कों के पीछे मार पिटाई की और कपड़े फाड़ के अपने नंगे यहाँ पे डांस किया उसने। तो इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है निगरों की तरफ से, इससे हम खिलाफ हैं। वहीं अनलॉक के तहत दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन साप्ताहिक बाजार के नाम पर कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंद्रलोक इलाके में जैसे ही साप्ताहिक बाजार खुले, नियमों की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर देखी गई। ये देखिए तस्वीरें इस बात की गवाह। देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन MCD की तरफ से सभी साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया गया, जो बड़ी लापरवाही है। वहीं जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस को देखकर लोग यहां से भागते नजर आए।
अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस हिसाब से जो है बाजार जो है एमसीडी द्वारा लगवाए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं, और ये उनका काम है, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।